नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक शीतल छाया डायग्नोस्टिक से, और आज हम नया वीडियो लेके आए हैं आपकी नॉलेज के लिए, एक्सरे शोल्डर। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं, ये एक एक्सरे शोल्डर है। ये पेशेंट हमारे पास आए थे, इनका क्या हुआ कि ये चलते हुए बाइक से गिर गए थे, तो इनके शोल्डर में चोट लगी हुई थी। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये फ्रैक्चर आ रहा है, और ये यहाँ पे भी देखेंगे, ये भी फ्रैक्चर है। तो इनके यहाँ पे ना, जब वो गिरे थे तो इनकी जो एक तो जो आपका क्लेविकल है वो यहाँ से टूट गई थी, और ये हमारा जो है आप देखेंगे पूरा स्कैपुला, स्कैपुला में भी यहाँ पे ये आ रखा है फ्रैक्चर। तो जब हमने इसको रिपोर्टिंग कराया रेडियोलॉजिस्ट से, तो जो रेडियोलॉजिस्ट ने इस एक्सरे को रिपोर्टिंग किया, तो उन्होंने इसमें क्या लिखा, उन्होंने लिखा ये डिस्प्लेस फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग मिड शाफ्ट ऑफ क्लेविकल। मिड शाफ्ट में डिस्प्लेस हो गया फ्रैक्चर, और साथ में इन्वॉल्विंग लैटरल, ये देखिए लैटरल बॉर्डर लाइन ऑफ राइट स्कैपुला, ये जो राइट स्कैपुला है इसमें भी थोड़ी दिक्कत है। और जो तीसरी चीज जो उन्होंने लिखी कि यहाँ पे जो मीडियल स्पेस है, देयर इज अ माइल्ड इंक्रीज इन मीडियल ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट स्पेस, ये जो है ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट स्पेस में भी बढ़ गई है, वो इंक्रीज हो गई है। तो ये इस एक्सरे की रिपोर्टिंग हमारे रेडियोलॉजिस्ट ने की। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम एक्सरे, ये शोल्डर का एक्सरे करते हैं, तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स हमारे को दिखते हैं। जब भी हम शोल्डर का एक्सरे करेंगे, कोई भी रेडियोलॉजिस्ट उसको रिपोर्ट करेगा और जो है रेडियोग्राफर उसको लेगा, तो उसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं एक्सरे शोल्डर में, तो वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अभी आगे। अगर ये जो पार्ट होता है शोल्डर का एक्सरे, इस तरह का लिया जाता है। अब इसमें मैं पार्ट्स आपको बताता हूँ कौन कौन से पार्ट्स रेडियोलॉजिस्ट इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये एक पूरा होता है, इसको बोलते हैं क्लेविकल, क्लेविकल इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, क्योंकि यही हमारे को कंधे को और गर्दन से बीच में जोड़ता है, तो क्लेविकल यानी कॉलर बोन होती है इसमें। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें, ये जो है ना, ये स्कैपुला होता है, ये जा रहा है यहाँ से, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। इसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, अगर हम जैसे कमर पे हाथ लगाएंगे ना, तो बिल्कुल ब्लेड जैसी चीज होती है जो हमारी कमर पे पीछे होती है, हाथ लगाएंगे तो हमारे को महसूस होगी, इसको वैसे शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, और बट टेक्निकल नेम उसका क्या होता है, स्कैपुला होता है। इसके अलावा आप इसको थोड़ा देखें, आप यहाँ से इसकी आउटलाइन देखेंगे ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैराकॉइड प्रोसेस। और ये आप देखेंगे, ये है एक्रोमियम, ये और ये कैराकॉइड प्रोसेस। अब जैसे हम इसको देखेंगे, ये तो हमारा हाथ है, कंधे की हाथ की हड्डी है, तो ये जो हाथ की हड्डी है इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं, और ये ह्यूमरस हेड है हमारा। ये ह्यूमरस जो हेड है ना, वो इस गैप के अंदर, सॉकेट के अंदर रखा होता है, और ये जो कैविटी होती है यहाँ पे, इस तरफ जो कैविटी है, मतलब कि ये जो आपका कैराकॉइड प्रोसेस है और ये जो हमारा ह्यूमरस हेड है, इसके बीच में जो होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, क्योंकि यहीं से मूवमेंट होती है हमारी सारी, है ना, यहाँ से मूवमेंट होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी, क्योंकि थोड़ा सा गैप होता है तभी तो हमारा होगा, सारा हाथ घूमेगा। तो जब भी हमारा जो शोल्डर का एक्सरे होता है, तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब हम जल्दी से एक बारी रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले क्लेविकल यानी कॉलर बोन, उसके बाद स्कैपुला यानी शोल्डर ब्लेड, उसके बाद ये कैराकॉइड प्रोसेस, ग्लिनॉइड कैविटी जो बीच की स्पेस है, उसके बाद एक्रोमियम और ह्यूमरस, ये सारी मिलके ही हमारा जो है एक्सरे शोल्डर बनता है। ये एक्सरे शोल्डर के बारे में आपको कोई भी और जानकारी चाहिए हो, तो आप हमारे को इनबॉक्स में लिख सकते हैं, हम अपने रेडियोलॉजिस्ट से बात करके और आपको उसका जवाब देंगे। थैंक यू, आपने इतना समय दिया।
इस वीडियो पे देखने के लिए। अगर आपको और कोई स्पेशल एक्सरेज आपने चाहते हो कि हम उसको स्टडी करके दिखाएं, तो प्लीज़ आप हमारे को इनबॉक्स में करें, हम उसका वीडियो बना के अपलोड करेंगे। थैंक यू।